होली के रंग कितने सारे होते हैं और कितने बढ़िया होते हैं। पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग गुजिया मठरी ये सब नहीं खाना पसंद करते, क्यों? क्योंकि हम बोर हो जाते हैं या हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता। अब बहुत बड़ी परेशानी है कि कोई आ ना हो तो उसको क्या थी। तो मैं आपके लिए बहुत ही क्विक एक डेजर्ट लाई हूँ जो देखने में भी बिल्कुल होली की तरह खूबसूरत है और सच में इतना हल्का है और हेल्दी तो नहीं कहूँगी, मिक्स है, हेल्दी भी और नहीं भी। और जिनको चॉकलेट खाना बहुत पसंद उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया रेसिपी है। और इसको आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आपको तैयारी करनी है। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जो है चॉकलेट बताशा फिल्ड विद स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। सबसे पहले हमें पानी चढ़ा देना है उबलने के लिए और हमने लेनी है आधा किलो डार्क चॉकलेट और उसको अच्छे से चॉप कर लेना। चॉप क्यों करना है? क्योंकि हमें इसको मेल्ट करना है। अगर बहुत मोटी मोटी रहेगी तो मेल्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पानी देख रहे हैं आप उबल चुका है अच्छे से। अब हमें इसको डबल बॉयलर पे लेके जाना है और मेल्ट करना है। उससे पहले आपको अच्छे से टिश्यू से बोल को पोंछ लेना है और उसके बाद उसमें अपनी चॉकलेट को डाल देना है। अब चॉकलेट को पानी के ऊपर रखना है और धीमे धीमे इसको चलाते रहना है जब तक ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसमें कम से कम 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे और ये देखिए बढ़िया सी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। थोड़े बहुत दाने रहेंगे तो आप इसको बोल को निकाल लीजिएगा और उसको चलाते रहिएगा। उससे क्या होगा, जो भी हल्के फुल्के से बाइट्स रहे भी देंगे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए बढ़िया से मेल्ट हो चुका है हमारा चॉकलेट। अब हम इसको रख दे रहे हैं साइड में, एक बार और चलाते रही हूँ, जैसे कहते थोड़ा बहुत भी दाना है तो वो निकल जाए। तो बस दूसरा बोल लेते हैं और उसमें हम पहले सबसे पहले करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को चॉप कर लेते हैं जो कि मैंने 200 ग्राम ली है। अब पहले मैं इसको एक जैम की तरह बनाऊंगी क्योंकि इसको हमें श्रीखंड में मिलाना है। इसलिए तो पैन में मैंने डाला है चॉप किए हुआ स्ट्रॉबेरी, थोड़ी सी चॉप की हुई स्ट्रॉबेरी मैंने रख ली है 2 से 3 चम्मच बाद में गार्निश करने के लिए। 2 चम्मच इसमें डाली हो चीनी, चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चीनी की जगह पे 2 चम्मच गुड़ भी डाल सकते हैं। अब साथ में इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट दे रही हूँ जो कि है नमक का और साथ में हल्का सा लाल मिर्च का। नमक कहते ना किसी भी मीठी चीज में हल्का सा नमकीन और तीखापन आ जाए तो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया हो गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि तो इसमें हल्का सा मिर्ची आ रही है, हल्का सा तीखापन ले रही है और नमक। मैंने हंकट करके रखा था, ये 150 ग्राम हंकट है। उसके बाद डाली हूँ मैं मिल्क मेड जो है 2 से 3 चम्मच जो कि मैंने अमूल का लिया है और अच्छे से इन दोनों को फेंट रही हूँ जब तक कि एकदम क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए। ये देखिए अच्छे से क्रीमी टेक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालनी है स्ट्रॉबेरी का जैम और इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, अच्छे से इसका कलर बिल्कुल स्ट्रॉबेरी वाला आ गया है। अब मैंने गोलगप्पे बाजार से लिए हैं, आप बनाना चाहे तो घरे बना के यूज कर लीजिएगा। 8 से 10 गोलगप्पे लिए, इनका अच्छे से बीच में से मैं होल कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब चॉकलेट को एक बार और चला लेती हूँ जैसे कि ठंडी हो गई चॉकलेट तो हल्की सी सेट होने लगती है वो ना हो। अब चारों तरफ से गोलगप्पे को चॉकलेट से डिप करके चॉकलेट से अच्छे से कोट कर लेना है हमें, जैसे कि पूरा लगे कि ये चॉकलेट का ही पॉट है। ये देखिए बढ़िया सा चॉकलेट से डिप हो चुका है। अब मैं इसको हल्के से स्ट्रॉबेरी जैम के ऊपर रखती जा रही हूँ और ये देखिए बाकी मैंने ऐसे ही रखी है, जितना बढ़िया सा कोट हो चुका है चॉकलेट और इसको 1 मिनट दूंगी कि ये सेट हो जाए। ये देखिए अब जब ये सेट हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ अपना स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। मैंने स्पून से डाला है, आप चाहे तो पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं। अच्छे से फिल कर लेना है जैसे कि मटर फिल होती है उसी तरीके से। आप चाहिए तो ये जो गोलगप्पे हैं इनको आप इस तरह से कोट करके एयरटाइट कंटेनर्स में भी रख सकते हैं और जब कोई श्रीखंड बना के रख लीजिए फ्रिज में और जब कोई आए तो उसको तुरंत भी दे सकते हैं। साथ में डालनी है थोड़ा सा चॉप किया हुआ स्ट्रॉबेरी ऊपर से, जैसे कि एक हल्का सा कुरकुरापन एक बाइट आ जाए और खाने में भी टेस्टी लग रहा। तो देखा फटाफट बनने वाली रेसिपी है,
ना ज्यादा आपको कुछ छान करना है, बस चॉकलेट को मेल्ट करना है, डिप करना है फटाक से, ज्यादा गैस का भी कोई झंझट नहीं है। तो बस बनाइए और फिर अपने गेस्ट को खिलाइए और फिर मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी है।